जय हिंद जय भारत। दोस्तों भारत के बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार रवीश कुमार अब NDTV से इस्तीफा दे दिए हैं। यानी जो हम NDTV पर रवीश कुमार को हर एक रात को 9 बजे जो उनकी शो देखते थे प्राइम टाइम, वो अब हमें देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों रवीश कुमार को बाई चांस ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो रवीश कुमार को नहीं जानता होगा। कोई भी छात्र, कोई बिजनेसमैन या कोई ऐसा व्यक्ति जो TV पे न्यूज़ देखता है और फिलहाल करंट में वर्तमान में क्या चल रहा है इसके बारे में रुचि रखता है, वो व्यक्ति ज़रूर ही रवीश कुमार को जानता होगा। रवीश कुमार दोस्तों निष्पक्ष, सरल और उत्कृष्ट पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते हैं और इन्हें 2 बार रामनाथ गोयनका अवार्ड भी इन्हें मिला है और 2019 में रेमन मैग्नेसिस अवार्ड भी इन्हें मिला है। ये रेमन मैग्नेसिस अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। दोस्तों उनकी यूट्यूब चैनल भी है रवीश कुमार ऑफिशियल, उस पर उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाकर भी ये संदेश दिया है कि हम NDTV से इस्तीफा दे दिए हैं और बहुत भावुक भी हुए थे। आप उनका वीडियो देख सकते हैं उनके चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल पर। भावुक होकर जो NDTV में 26 साल 26 साल उन्होंने जो गुजारा वो सभी बातें उन्होंने रखा और ये अगस्त 1996 ईस्वी में NDTV ज्वाइनिंग किए थे जो ट्रांसलेटर के रूप में लिए थे और अभी ये NDTV के जो एक एंकर थे और आखिर ये भी एंकर की जो पद है इन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों अडानी ग्रुप की एंट्री के बाद NDTV में इस्तीफा का दौर शुरू हो गया और NDTV के मालिक प्रणव रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय ने भी मीडिया हाउस को अलविदा कह दिया और उसके बाद ही NDTV में काम कर रहे रवीश कुमार ने भी इस्तीफा दे दिया। रवीश कुमार की NDTV पे बहुत ही प्रसिद्ध शो आ रही थी, पहले हम लोग, फिर रवीश की रिपोर्ट, फिर देश की बात और सबसे प्रसिद्ध उनकी जो शो है जो रात में आती थी प्राइम टाइम, ये इनकी शो की नाम है जो बहुत ही प्रसिद्ध शो थी। दोस्तों कुछ 4 महीने पहले NDTV में अडानी ग्रुप की हिस्सा आना शुरू हो गया था और उस टाइम से ही रवीश कुमार को ये एहसास हो गया था कि ऐसी स्थिति होने वाली है। उसके बाद से ही रवीश कुमार की यूट्यूब चैनल ज़्यादा रन करने लगे थे और जब से ही रवीश कुमार इस्तीफा दिए हैं तब से ही ये रवीश कुमार ट्रेंड चल रहे हैं। आप देख सकते हैं साइड में फ़ोटो, ये ट्रेंड है और ये जब से इस्तीफा दिए हैं तब से ये ट्रेंडिंग में है, दूसरे स्थान पर है ट्रेंड में, न्यूज़ में एक बने हुए हैं। आप द हिंदू देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, सारे में रवीश कुमार की इस्तीफा के बारे में बातें हो रही है। दोस्तों NDTV, न्यू दिल्ली टेलीविज़न प्राइवेट लिमिटेड, इसके कई चैनल है, NDTV 24x7 है, NDTV इंडिया है, NDTV प्रॉफिट के नाम से कई इनके चैनल है। दोस्तों जो NDTV के RRPR यानी प्रणव रॉय राधिका रॉय की होल्डिंग कंपनी NDTV की प्रमोटर कंपनी है, ये कहीं और से लोन ली थी और वो कंपनी भी कहीं और से ली थी, फिर वो कंपनी भी कहीं और से ली थी और जिससे वो ली थी वो अडानी ग्रुप की थी। यानी ये एक चैन की तरह बनी हुई थी और जिससे वो लिया, फिर किसी और से वो लिया, फिर वो किसी से और से लिया और वो जिसको वो दिया वो अडानी ग्रुप की थी। इस तरह पूरी इन कंपनियों के सबका जो सभी कंपनियां अलग अलग ली थी लेकिन मालिक कौन था, अडानी ग्रुप था और इस तरह धीरे धीरे अडानी ग्रुप NDTV पर अपना कब्जा कर लिया और इस टाइम पूरी तरह से NDTV का मालिक अडानी ग्रुप हो गया और NDTV में जितने भी काम करने वाले प्रणव रॉय या राधिका रॉय या रवीश कुमार धीरे धीरे जो वो थे उसमें इस्तीफा दे रहे हैं। अभी क्या होता है और भी उसमें काम करने वाले हैं, नगमा हैं और भी कई उसमें एंकर हैं, तो वो लोग काम करेंगे या इस्तीफा देंगे इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।